हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नीरज तिवारी। दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे पाठ गलता लोहा का समरी वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में और विजुअल्स के साथ आप लोगों को यह स्टोरी सुनाऊँगा या समरी वीडियो पढ़ाऊँगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी मोहन के जीवन, संघर्ष, मेहनत और समाज द्वारा निर्धारित जातिगत सीमाओं को पार करने के बारे में है। कहानी की शुरुआत में मोहन अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को साफ करने के लिए निकलता है। उसके पिता पंडित वंशीधर, जो वृद्ध हो चुके हैं, पुरोहिताई का काम करते थे, लेकिन अब काम करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मोहन ने परिवार का भार हल्का करने के लिए खेती का काम संभाल लिया। रास्ते में मोहन अपने हंसुए की धार तेज करवाने शिल्पकार टोले की ओर मुड़ता है, जहां उसकी मुलाकात बचपन के मित्र धनराम से होती है। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी, लेकिन जहां मोहन तेज था वहीं धनराम कुछ मंदबुद्धि था और उसे मास्टर त्रिलोक सिंह से हमेशा मार पड़ती थी। जाति के कारण उसे व्यंग भी सहना पड़ता था। फिर भी उसने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना। प्रतिद्वंदी मतलब कॉम्पिटिटर। बाद में धनराम ने लोहारगिरी का पारिवारिक पेशा अपनाया। मोहन के पिता ने उसे शहर भेजा था ताकि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, लेकिन शहर में उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार हुआ और उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई। गाँव लौटने पर उसने खेती का काम संभाल लिया। जब उसने धनराम को लोहा मोड़ते हुए देखा तो उसने आत्मविश्वास के साथ खुद लोहा मोड़ दिया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि मोहन ने जातिगत सोच से ऊपर उठकर अपने कौशल को पहचाना। कहानी यह संदेश देती है कि व्यक्ति जातिगत पेशों से परे जाकर अपने कौशल और मेहनत से खुद की पहचान बना सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की समरी वीडियो। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।